आज के पुनीत पर्व गीता जयंती पर हमारे सब परिजनों को भावभरी मंगल कामनाएं। यूँ तो गीता जयंती ये कहा जाता है कि भगवान के मुंह से निकली हुई वो अमृतवाणी है, उनके मुंह का ही निकला हुआ ये काव्य है ये। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो गीता के बारे में ये गीता की व्याख्या कहाँ सबसे अच्छी मिलनी है, ये सिवाय कृष्ण के जीवन को छोड़कर और कहीं नहीं मिल सकती। लोग कह देंगे कि इनकी है, साइंस जी की है, इनकी है, उनकी है, लेकिन वास्तव में कृष्ण का चरित्र ही अपने आप में वो अमूल्य है। कैसा अमूल्य है? अमूल्य है कि जेल की काल कोठरी में पैदा होने वाला बालक, जो जन्म से जिसने अपनी कठिनाइयाँ देखी, कभी पूतना देखी, कभी बकासुर देखे, कभी अधासुर देखे, तरह तरह के राक्षस उनके पीछे पड़े रहे, लेकिन इतनी विपरीत कठिनाइयों के बाद भी उनके चेहरे पर कभी मलिनता नहीं आई, कभी उन्होंने अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को पीछे नहीं हटने दिया और हमेशा यही कहते रहे, कर्मण्येव वाद्कारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमेशा निष्काम कर्मयोग की साधना। वो कृष्ण जो इतनी आपदाओं में घिरे होने के बाद भी उनके प्यार को हर आदमी पाने को तत्पर था और हर एक को उपलब्ध भी था, चाहे उसका नाम गोपियाँ हों, चाहे उनका नाम गोप हों, चाहे पांडव हों और चाहे कुब्जा हो, वो कोई भी रहा हो, उनके प्यार का हकदार सब रहा। जो भी उनसे मिला, जो भी उनके सानिध्य में आया, वो तृप्त होता हुआ चला गया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण गीता के परिप्रेक्ष्य में आती है वो ये आती है, कृष्ण चरित्र में जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ बताया है, उस समय सारे काम सब लोगों ने बांट लिए थे, लेकिन सब महत्वपूर्ण कामों के बाद भी भगवान कृष्ण ने अपने जिम्मे केवल जूठी पत्तल उठाने का काम किया था। इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसने अपना अहंकार गला दिया हो, जो आत्मा के ऊंचाई तक पहुंचने के सीढ़ी पर जा चुका हो। तो ये अगर आज के दिन हम ये देखें कि गीता का निष्काम कर्मयोग और भगवान कृष्ण का वो स्वरूप जिसमें जन जन के लिए प्यार उपलब्ध था, ये अगर हम कर सकें तो वास्तव में गीता जयंती का, गीता का मर्म सुनना और सार्थक करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।